स्टाइल एक बहुत पर्सनल स्टेटमेंट होती है, जिसको जो कंफर्टेबल लगता है, जो जिसे सूट करता है, जिसमें लोग उसे पसंद करते हैं, ये सब चीज़ों का एक मिक्सचर होता है स्टाइल। और पिछले साल आई वाज नॉमिनेटेड एज एन ऑथर, इस साल शायद सबको देखकर कुछ अवार्ड्स देंगे, कुछ सबको देखेंगे, इट विल बी रियली नाइस। आई थिंक HT एक इन्होंने एक इनिशिएटिव बहुत खूबसूरत लिया है, जहाँ पर स्टाइल को एक बहुत अच्छा डेफिनेशन मिला है। जी I guess it's a lot about personal style, personal comfort, what people think you look good in. It's a mixture of all that. Yeah. I write my weekly column. I'm one of you in that, and I have written something for Padmavati, Padmavat now. I think this film deserves to be seen, and whoever has an issue can not watch it, I guess. But people who really want to see. I guess people should let them watch the film. I think it's worth watching. मुझे लगता है उनको अपना जो भी प्रोटेस्ट दिखाने हैं थोड़े शांत तरीके से दिखाने चाहिए, अगर कुछ हैं। बिल्कुल ऐसे तो ज़रूरत है नहीं। मैं जितने भी रिव्यूज़ पढ़ रही हूँ, सब बहुत तारीफ कर रहे हैं फिल्म की और कह रहे हैं कि ऐसा कुछ है नहीं फिल्म में। मुझे लगता है प्रोटेस्ट तब होने चाहिए जब ऐसा कुछ ऑब्जेक्शनेबल हो, जबकि है नहीं। लेकिन अगर किसी को लगता है तो वेट एंड वॉच, देखें और उसको शांति के साथ करें, इस तरह से तोड़ फोड़ करके नहीं। मैं कल देखूँगी। यस, अभी ऐसा तो बुक नहीं किया मैंने। बता दूंगी आपको, जाऊंगी जरूर। जी, मैं गणतंत्र दिवस की सबको ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूंगी। बचपन से बहुत सारी यादें हैं रिपब्लिक डे की, सब झांकियां देखने की, परेड्स देखने की, और वो अब तक कायम है। सो इट्स अ स्पेशल डे एंड आई थिंक वी शुड ऑल बी वेरी प्राउड ऑफ बीइंग इंडियंस। थैंक यू, थैंक्स।